आपका अपना स्वागत है इस डीवी नीरसा चैनल पर। जो जैसे दोस्तों आपको पता है कि वन दरोगा की परीक्षा 30 तारीख को जो है होने वाली है लखनऊ में। 5 से 7 दिन बचे हैं दोस्तों, हमारे साथ लग जाइए। आपको जो है 2 से 4 दिनों में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न वन दरोगा के मैं जो है आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको वन दरोगा की जो है प्रैक्टिस सेट फ्री में ज्वाइन करनी है तो स्टडी विद नीरज सर ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से आपको फ्री में टेस्ट सीरीज जो है मिल जाएगी। चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए, आप अगर मेरे पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए हम जो है, हेलो, गुड इवनिंग सर। अरे बढ़िया है सर। सर थोड़ा कैमरे में दिक्कत आ गई है। उपेंद्र सर का नंबर सर आप थोड़ा भेज दीजिए, बात कर लूँ उनसे। जी सर प्लीज अभी सर भेज दीजिएगा। ठीक, थैंक यू सर। चलिए आइए पहले। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन संवर्ग नहीं है? वन संवर्ग नहीं है इसमें, देख लीजिए। जो आप ऑप्शन है राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन या ग्राम, तो बच्चों इसमें राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जो है वन संवर्ग नहीं है, ये वन संवर्ग नहीं है। चलिए सेकंड प्रश्न पे आते हैं। जल्दी जल्दी हम आपको प्रश्नों की श्रृंखला कराएंगे। अब डिस्क्राइब करने का समय नहीं बचा है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप जो है सही आंसर जो है आप उसका देंगे। चलिए, सामाजिक वानिकी, वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है शीशम, डाक, यूकलिप्टिस, खेजड़ी। तो इसका आंसर बच्चों सही है खेजड़ी। इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर बच्चों जो सही है वो है खेजड़ी। क्या? खेजड़ी, ये वाला डी ऑप्शन जो है इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। राष्ट्रीय वन नीति, देखिए राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुने। अब चार प्रश्न, ये चार इसके दिए गए हैं फैक्ट, इसमें आपको जो है सही क्या है वो आपको निशान लगाना है, पर इसकी संतुलन के लिए सुनिश्चित करना। ये राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य लक्ष्य नहीं था, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना ये मुख्य लक्ष्य था, देश की कुल भूमि पर 1/3 वन आच्छादित करना ये मुख्य लक्ष्य था, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना ये लक्ष्य नहीं था। तो और 2 और 3 बच्चों ये इसका जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत के, देख लीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। भारत के कुल क्षेत्र में वनों का क्षेत्रफल कितना है? वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है 24.62। कितना है? 24.62 इसका वनों का प्रतिशत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, आपके परीक्षा में सीधे प्रश्न ये पूछे जाएंगे, इसलिए आप समय को ना बर्बाद करिए। आपको 2-4 दिनों में सारा सिलेबस, सारे वीडियो में आपको जो है प्रोवाइड करूंगा। देखिए निम्न में से, 5वां प्रश्न, निम्न में से किस राज्य का अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत है? अधिकतम वन क्षेत्र किसका प्रतिशत है बच्चों? तो मिजोरम में जो है अधिकतम वन क्षेत्र है। किसमें? मिजोरम में जो है सबसे ज्यादा अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत है, ठीक, सबसे ज्यादा अधिक वन क्षेत्र प्रतिशत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखिए, वनों के महत्व का कारण है, वनों के महत्व का कारण क्या है? इसका आंसर देना है 6 नंबर। तो 6 का बच्चों ए सही है। क्या सही है बच्चों? ए, ग्रीन गोल्ड, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, देख लीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान है। इसका आंसर आप लोग को पता होगा, WWF का आशय क्या है मेरे मित्रों? तो WWF का आशय है वर्ल्ड वाइड फंड। क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काले वन पाए जाते हैं, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन संख्या बच्चों, क्वेश्चन संख्या कौन सी है? ये क्वेश्चन संख्या है मेरे बच्चों 8। क्वेश्चन संख्या है कितनी? 8। क्वेश्चन संख्या 8 है, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो
तो भैया एक काली नदी भी बहती है, आपको पता है काली नदी कहाँ, ब्लैक फॉरेस्ट जो है पर्वत कहाँ पे है, ठीक। आठ, तो आपको पता है कहाँ है जर्मनी, जर्मनी में काली नदी जो है, काले वन पाए जाते हैं और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से जो है एक नदी निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है बच्चों, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में है। कहाँ है, देहरादून में है। बहुत पॉपुलर, बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे बच्चों। चलिए 10 पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखिए, निम्नलिखित राज्य समूहों में से किसमें वन कुल समूहों में से किसमें 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 वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्रफल पर आच्छादित है, मतलब 75% से अधिक क्षेत्रफल पर वन आच्छादित है मेरे बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन संख्या कौन सी थी, क्वेश्चन संख्या 10 थी। कितनी है मेरे बच्चों, 10 है। तो इसमें आपको बताना है कौन सी है, 10। तो 10 का बच्चों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में बच्चों जो है 75% तक जो है, 75% से अधिक वनों का आच्छादन है, वनों का आच्छादन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है, तो बच्चा 1/3% पर वन रखने का लक्ष्य है। कितना, 1/3% पर वन रखने का लक्ष्य है मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 12 नंबर पे देखिए मेरे बच्चों, 12 नंबर पे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। आपको पता है कि भारत में क्या, कि भारत में मेरे बच्चों मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है, मैंग्रोव वन का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है, तो पहले नंबर पे आपको पता है कि मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा जो है पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं। ये तो आपको दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र मेरे बच्चों जो है ये सी है, गुजरात के तट पर, कहाँ, गुजरात के तट पर जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है, पर्णपाती वनों का संयोजन है। क्वेश्चन संख्या देख लीजिए मेरे बच्चों कौन सी है, क्वेश्चन संख्या है 13, कौन सी है, क्वेश्चन संख्या है 13, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 13 का आंसर बच्चों सही है डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है सदा पर्णपाती वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन संख्या बढ़ते हैं 14 पे, देखिए जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत सारा कोर्स करना है, समय बहुत कम है, आपको पूरा सिलेबस जो है हम कंप्लीट। समय बहुत कम है और सिलेबस ज्यादा है, इसलिए बच्चों आपको जल्दी से काम करना है, जल्दी से। वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, 14 नंबर, तो वन महोत्सव दिवस बच्चों 1 जुलाई को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को बच्चों मनाया जाता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, 15 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं, ठीक है। आजादी के बाद किस वर्ष में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई, राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई मेरे बच्चों, 15 नंबर, ठीक है, 15 नंबर है, पहली बार राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। 15 का बच्चों 1952, ये 1952 में पहली बार जो है राष्ट्रीय वन नीति जो है मेरे बच्चों घोषित की गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों, देखिए देखिए, वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन है, वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन सा है, देख लीजिए, वनावरण में वृद्धि की दर से शीर्ष राज्य कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए इसका, ठीक है। पहला है आंध्र प्रदेश, ये मेरे बच्चों है पहला आंध्र प्रदेश है, देख लीजिए पहला आंध्र प्रदेश है, क्या है, आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश है, और फिर दूसरा तेलंगाना है, तीसरा उड़ीसा है, फिर है कर्नाटक। इसको आपको बताना है, इसको आपको बताना है मेरे बच्चों, ठीक है? इसको आपको बताना है कौन सा राज्य है। क्वेश्चन संख्या 16, तो 16 का बच्चों आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। चलिए 17 नंबर पे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण मेरे बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन संख्या 17, क्वेश्चन संख्या है 17, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के कितने क्षेत्र हैं, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के कितने से कितने क्षेत्र हैं, ठीक है? अब ये आपको बताना है, प्रश्न संख्या जो है आपका जो है 17 है, ठीक है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के कितने क्षेत्र हैं, 8, 5, 4, 9, ठीक है? तो इसके चार हैं, कितने क्षेत्र हैं, चार क्षेत्र हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सोच लो कि आपको यहां से मिलेगा जरूर प्रश्न। अब देखिए 18 नंबर, 18 नंबर, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो मुख्यालय है कोलकाता में, कहाँ है, कोलकाता में इसका जो है मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रीय 19 नंबर, 19 नंबर, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का गठन कब किया गया? चलिए 19 नंबर का आंसर दीजिए, 1976 में किया गया। कब किया गया, 1976 में किया गया, ठीक है? 20 नंबर पे आते हैं, 20 देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से आपको जरूर मिलेंगे। हर वर्ष कब से कब तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है, कब से कब तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है? क्वेश्चन संख्या 20, तो बउआ 20 का ए सही है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जो है वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है, वन महोत्सव कार्यक्रम बच्चों जो है मनाया जाता है। ये 20 प्रश्न रहे बच्चों, ठीक है? इसके तुरंत बाद आपको जो है काफी ज्यादा वीडियो मिलने वाले हैं, इसलिए जो है आप जरूर जरूर पढ़िए, क्योंकि पेपर जो है इसका आ गया है। अगर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे और वीडियो आप तक पहुंचे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय। हाँ, एक अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल है। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।